हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। ये हमारा सेकंड टॉपिक है जो बेसिक टू एडवांस कोर्स में आता है, कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने देर से भाई ने कहा कब वीडियो नहीं डाला। तो कैसा है ना, अभी आपको पहला जो वीडियो था उसमें जो कंटेंट था, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सही से नहीं दिख रहा है बोर्ड पे। तो हमने सीधा ये सेटअप वेटअप को थोड़ा टाइम लगा, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया। हम अभी टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमारा पहला जो पैटर्न है, बुलिश पैटर्न में जो पहला पैटर्न आता है हैमर पैटर्न, जो जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अभी बुलिश पैटर्न कौन से रहते हैं? तो पहला है हैमर। तो हैमर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओके, तो अभी सोचो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है। ओके, फॉल करने के बाद यहाँ पे हैमर क्रिएट हो गया मार्केट में 5 मिनट, वेदर इट विल बी इन 5 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम, कोई मैटर नहीं करता। और ये रेड हो या ग्रीन हो ये भी नहीं मैटर करता। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ये की है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बायर्स ने होल्ड किया, मतलब सेलर्स को ये सपोर्ट तोड़ने नहीं दिया। तो यहाँ पे हैमर क्रिएट हो गया। हैमर क्रिएट होने के बाद यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक चीज ध्यान में रखो, जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और एक आपको बताता हूँ कि देखो मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हैमर क्रिएट हो गया, जहां पे रेजिस्टेंस है या कुछ भी हो, तो ये हैमर यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? कि इसको कैरेक्टरिस्टिक एक ही, जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट गिर रहा है, गिरने के बाद बायर्स ने होल्ड करके एक हैमर कैंडल क्रिएट किया, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक एक ही है कि वहां से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यह हमारा फर्स्ट पैटर्न है बुलिश पैटर्न में। ओके, हैमर पैटर्न। अभी सेकंड पैटर्न है हमारा बुलिश एंगल्फिंग। तो बुलिश एंगल्फिंग कैसे रहता है कि ये रेड कैंडल है, समझ लो अभी ये ब्लैक है, इस पे मत ध्यान दो ये ब्लैक ही रेड है, तो समझ लो ये रेड कैंडल है। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये रेड कैंडल है और इसको कवर करके गई ये ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ओके, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक सेम है। बस सेम हैमर जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कि ऐसा पैटर्न दिखने के बाद रिवर्सल के चांसेस ज्यादा रहते हैं और नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। ओके, तो ये हमारा सेकंड पैटर्न था। फर्स्ट पैटर्न था हमारा हैमर, हैमर के बाद बुलिश एंगल्फिंग देखा हमने, कि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे मार्केट आ गया, आने के बाद यहाँ पे अगर बुलिश एंगल्फिंग आपको पैटर्न दिख रहा है तो रिवर्सल के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि रिवर्स ही होगा, एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट में। ये पैटर्न का ये कैरेक्टरिस्टिक था। ओके, अभी देखते हैं दूसरा पैटर्न। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैसा रहता है वो मैं बताता हूँ आपको। मॉर्निंग स्टार का कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मॉर्निंग स्टार कैसे फॉर्म होता है? ये रेड कैंडल है, यहाँ पे ऐसा वीक कैंडल बन गया। ओके, यहाँ पे वीक कैंडल बनने के बाद यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट फॉल करके यहाँ तक आ गया, यहाँ पे फिर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ये पैटर्न फॉर्म हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ये पैटर्न को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ओके, ये थर्ड पैटर्न है हमारा। पहला देखा हमने हैमर, हैमर के बाद देखा बुलिश एंगल्फिंग और ये मॉर्निंग स्टार। ये बुलिश पैटर्न है, तीनों के तीनों ये बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न में ये सब आते हैं। तो ये बेसिक ही, बहुत बेसिक ही, मतलब जब जैसे हम प्राइस एक्शन सीखोगे, आप सीखोगे तो मार्केट में देखो अभी मॉर्निंग स्टार आपको दिख गया, तो एक प्रोबेबिलिटी रहता है कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। पर एक चीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये पैटर्न अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होगा
वहां पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे ये क्रिएट हो गया है तो वो मायने नहीं रखेगा। अगर जहां पे सपोर्ट है वही है इसका काम चलाएगा, मतलब सपोर्ट पे ये क्रिएट होना चाहिए, तभी चांसेस रहते कि हायर प्रोबेबिलिटी रहती कि मार्केट फेवर्स हो सकता है। तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मैं जो जो बेसिक पैटर्न है और जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। अभी ये बुलिश पैटर्न हमने देखे, तो अभी जाएंगे बेरिश पैटर्न क्या रहते हैं। ओके, अभी बेरिश पैटर्न देखेंगे। पहले हमने बुलिश पैटर्न देखे, तो बेरिश पैटर्न क्या होता है कि बेरिश एंगल्फिंग। तो जैसे हमने बुलिश एंगल्फिंग देखा, तो एग्जैक्ट उसके रिवर्स मतलब ये जो रहता है ये ग्रीन कैंडल है, ओके, और ये रेड कैंडल है। तो ये पैटर्न फॉर्म कैसे हुआ, यहाँ तक आके ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, यहाँ तक आके ये ग्रीन कैंडल बन गया, उसके बनने के बाद इसको पूरा ये बॉडी ने, इसके ये रेड कैंडल के बॉडी ने इसको कवर कर लिया, तो ये पैटर्न फॉर्म हो गया और ये पैटर्न को बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। तो सेम अभी जैसे बुलिश एंगल्फिंग है वो सपोर्ट पे काम कर रहा था, तो वैसे ही अभी जो बेरिश एंगल्फिंग है वो रेजिस्टेंस पे काम करेगा, इसके रिवर्सल, बुलिश के रिवर्सल बेरिश। तो जहां पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर ये पैटर्न फॉर्म होता है, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक बुल रन हो गया होगा और बाद में रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आपको यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग दिखा, मतलब ऐसे पैटर्न फॉर्म हो गया। तो पैटर्न फॉर्म होने के बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, रिवर्स हो सकता है। ओके, ये रहा हमारा बेरिश एंगल्फिंग। तो अभी शूटिंग स्टार देखते हैं। अभी देखो सेम जैसे हमने बुलिश देखा है, बुलिश पैटर्न में आप कॉमनली एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि सपोर्ट, जो जो बुलिश पैटर्न हमने देखे वो सपोर्ट पे ही क्रिएट होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस पे क्रिएट हो गए तो वो काम नहीं करेगी, जहां पे सपोर्ट है वहां पे क्रिएट हो गए तो ही काम करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे उसका रिवर्स है, मतलब देखो अभी शूटिंग स्टार पैटर्न हम देखेंगे, ये भी पैटर्न अगर देखो यहाँ से मार्केट का बुल रन हो गया, बुल रन होने के बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न आपको देखा, मतलब ऐसे फॉर्म हो गए, तो यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी रहती कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा। क्यों रिवर्स होगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ओके, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार देखा, दिखने के बाद यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा, एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न था बेरिश पैटर्न में शूटिंग स्टार। अभी देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट बुल रन करके आया, बुल रन होने के बाद जैसे आपने मॉर्निंग स्टार देखा था एग्जैक्ट उसके रिवर्स ये ऐसा पैटर्न रहता है, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के यहाँ पे मार्केट बुल रन करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे उसे पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है, तो एक हायर प्रोबेबिलिटी रहती कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है नीचे। ओके, ये हमारा थर्ड पैटर्न था बेरिश पैटर्न में। अभी देखो हमने बुलिश पैटर्न में तीन पैटर्न देखे, एक हैमर पैटर्न, एक बुलिश एंगल्फिंग और एक मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार, ओके, ये होने के बाद हमने बेरिश पैटर्न देखे, ये जो तीन और ये भी तीन, ये तीन तीन पैटर्न बेरिश और बुलिश में बहुत ज्यादा काम करते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये आपको बार बार आपको मार्केट में
दिखेंगे। तो इवनिंग स्टार अभी देखा, इवनिंग स्टार कैसे रहता है कि जहां से मार्केट बुल रन करके आया, बुल रन करने के बाद जहां पे रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस पे ये पैटर्न फॉर्म हुआ, पैटर्न फॉर्म होने के बाद हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट डाउन साइड मूव देगा। ओके, ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न था आज का टॉपिक, तो यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अभी लिए इतना ही।